सितंबर में आने वाली 10 सबसे धमाकेदार मूवीज जो बवाल मचा देंगी। नंबर 10, गोट द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। ये 5 सितंबर को रिलीज होने वाली है अपने विजय थलापति दिखने वाले इसमें, और ये इस मूवी में मल्टीपल रोल में दिखने वाले हैं। मूवी फुल एक्शन पैक होगी, फैमिली के हिसाब से अच्छी होने वाली है, और अगर तुम्हारी एक्सपेक्टेशन इससे लो वाली है कि जैसे लियो मूवी थी वैसे कुछ देखने मिलेगा, तो भाई तुम डिपेंड होने वाले हो। बट अगर तुम ये सोच रहे कि कुछ नेक्स्ट लेवल भला देखने मिल जाएगा, तो भाई ये एक बेसिक कहानी होगी जिसमें अच्छा खास एक्शन होगा। ये मूवी 5 सितंबर को ए जाएगी। अगर तुम्हारे पास कुछ देखने के लिए नहीं है तो इस मूवी को जाकर देख सकते हो। नंबर 9, इमरजेंसी। ये मूवी 6 तारीख को आने वाली है, और अगर तुम्हें पॉलिटिक्स वगैरह पसंद है और इतिहास के बारे में जानना पसंद है तो तुम ये मूवी देख सकते हो। वैसे मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि तुम इतिहास के बारे में मूवी से सीखो, क्योंकि ये बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं होती। बस 20% जो स्कूल का सिलेबस होता है वो भी मैनिपुलेटेड सिलेबस उतना रखते हैं, और बाकी अपनी खुद की कहानी बनाते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मत ही देखो, देख सकते हो भाई। कंगना रनौत ने इस पर पैसे लगाए हैं तो भाई अच्छी होगी मूवी। ये खुद ही इस मूवी में खुद ही डायरेक्ट कर रही है, इस मूवी को सोच समझ कर ही कर रही होगी, क्योंकि भाई इसकी मूवी मैंने देखी है, ये अपना 100% देती है। नंबर 8, RM, 6 सितंबर को रिलीज हो रही है। इमरजेंसी की साथी, और भाई मेरे ख्याल से ये मूवी तुम्हें मिस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये काफी अच्छी दिख रही है और काफी प्रॉमिसिंग मूवी है, जहां ये थोड़ी बहुत तुम्हें कांतार और विक्रांत रोना जैसी वाइब्स देगी। इस मूवी का ट्रेलर देख देख के इतना पता लगा है कि देखने लायक है, तुम जाकर देख सकते हो थिएटर में। और भाई ये आजकल रीजनल सिनेमा वाले अच्छी ही मूवी ला रहे हैं, तुम बेझिझक ये मूवी देखने जा सकते हो, मुझे नहीं लगता ये तुम्हें निराश करेगी। नंबर 7, लकी भास्कर। इसमें अपना ये सीतारामन वाला हीरो है। मूवी थोड़ा कॉमेडी टाइप दे रही है, और अगर तुमने स्कैम 2 देखी है तो हल्की फुल्की वैसी ही है, जहां मूवी में एक मिडिल क्लास बंदे की कहानी बताई जाएगी कि ये बैंक में जॉब करता है और नॉर्मल कमाता हुआ आता है। फिर अचानक से कुछ लोग देखते हैं कि यार ये सिर्फ बैंक में जॉब करता है और इसके पास इतने सारे पैसे कहां से आ रहे हैं, खर्चे पर खर्चा किया जा रहा है, तो इसी के लोग इसके बैंक अकाउंट पर नजर मारते हैं तो उसमें बहुत सारे पैसे दिखते हैं। अब वो इसके पास इतने सारे पैसे कहां से आ रहे हैं और ये क्या कर रहा है, ये तुम्हें इस मूवी में देखने मिलेगा। मुझे मूवी इंटरेस्टिंग लग रही है तो तुम देख सकते हो, और ये मूवी 7 तारीख को रिलीज हो जाएगी। नंबर 6, सेक्टर 36। भाई ये मूवी के बारे में बहुत कम डिटेल अवेलेबल है, इसका अनाउंसमेंट लगभग 2 साल पहले हो गया था और अभी तक इसके ट्रेलर के ठिकाने नहीं है। ये मूवी मर्डर मिस्ट्री के अराउंड होने वाली है, जिसका मेन हीरो होगा विक्रांत मैसी। अपना हसीन दिलरुबा वाला भैया तो इसका अनाउंसमेंट वगैरह देखकर मैं ये पता लगा पाया हूं कि मूवी काफी ज्यादा डार्क होने वाली है, और अपना जो हीरो है उसके हिसाब से मैं प्रॉमिस कर सकता हूं कि ये मूवी में तुम्हें मजा आएगा। बट अभी कुछ ट्रेलर वगैरह मैंने नहीं देखा तो मैं 100% श्योरिटी किसी चीज की नहीं दे सकता। इंटरनेट पर जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से ये मूवी 13 तारीख को आ जानी चाहिए। नंबर 5, बकिंघम मर्डर। ये मूवी भी 13 तारीख को ही आएगी। इसमें हमारी करीना कपूर दिखने वाली है, और ये जब से वापस OTT के साथ डेब्यू कराए हैं बहुत प्यारी प्यारी मूवी दे रही है। अभी जल्द ही इसकी जाने जान आई थी, जो कि बहुत प्यारी मूवी है। आजकल ये काफी ज्यादा सीरियस रोल करने लग गई है। इसमें ये एक डिटेक्टिव का रोल कर रही है जिसके बेटे का मर्डर हो गया, और इसे एक नॉर्मल डेथ बताया जा रहा है। उसे लग रहा है कि किसी ने जानबूझकर मारा है, तो फिर आगे जाकर ये केस अपने खुद के हाथ में ले लेगी और इसे सॉल्व करेगी, और जैसे जैसे सॉल्व करेगी और उसे बच्चे के मर्डर का खुलासा करेगी। और एक और चीज मैं बता दूं, मैं 100% श्योर नहीं होगी ये इसका बेटा है कि नहीं, क्योंकि ट्रेलर में जितना पता चल रहा है मैं तुम्हें उतना ही बता रहा हूं। मूवी अच्छी है, देखने लायक, 13 सितंबर को तुम्हें देखने मिल जाएगी। नंबर 4, मुद्रा। अगर तुम्हें कल मूवी पसंद आई है, उसका एक्शन मारधाड़ तुम्हें पसंद आई है, तो भाई ये मूवी तुम्हें बहुत पसंद आने वाली है, क्योंकि ये मूवी भी फुल ऑन एक्शन से भरी पड़ी है, जिसके लीड में है सिद्धांत चतुर्वेदी। अपना जो गली बॉय में शेयर था ना भाई, कसम से बता रहा हूं, एक बार तुम बस इसका ट्रेलर देख लो, तुम खुद जाओगे थिएटर में ये मूवी देखने। ये तुम्हें 20 सितंबर को थिएटर में देखने मिल जाएगी, और उसी दिन एक और बड़ी पिक्चर आ रही है। नंबर 3, ट्रांसफार्मर 1। ये एनिमेटेड मूवी है, और जो ट्रांसफार्मर है उनके बचपन की कहानी बताएगी कि इनके पास ये सारी पावर्स कैसे आई और ये कहाँ रहते थे, क्या करते थे। ये सब मूवी एनिमेटेड है, इसका मतलब ये नहीं कि बच्चों के लिए बनाई है भाई, बहुत मैच्योर मूवी है। बड़े बुढ़े जो भी ट्रांसफार्मर के लवर है सब जाके देखो।
और बाकी तुम्हारा भाई मूवी देख के रिव्यू तो डाल ही देगा। मेरे ख्याल से तो तुम्हें ये मूवी मिस नहीं करनी चाहिए अगर तुम्हें ट्रांसफार्मर पसंद है, क्योंकि ये मूवी तुम्हें और ज्यादा डिटेल्स देगी उनके यूनिवर्स के बारे में। तो 20 तारीख को ये भी आ रही है और रुद्रा भी आ रही है, तो भाई दोनों देखो, बैक टू बैक मजा आएगा। नंबर 2, द वाइल्ड रोबोट। और भाई फिर से एनिमेटेड समझ के तुम बच्चों वाली मूवी समझने की गलती मत करना, ये मूवी बहुत ज्यादा खूबसूरत है। इसमें एक रोबोट की कहानी है जिसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है और उस दौरान वो बीच में कहीं जंगल में गिर जाता है और खो जाता है, और जो रोबोट की कंपनी होती है वो उसे ढूंढ नहीं पाती, तो वो रोबोट वहां पर एक्टिव हो जाता है और वहां पर वो अपनी जो नॉर्मल प्रोग्रामिंग होती है उसकी मदद से जानवरों के साथ जीना सिखाता है। तुम इसे मोगली की तरह समझ सकते हो, बस रोबोट है उससे थोड़ा ज्यादा समझदार है। और ये थिएटर में 27 तारीख को आ जाएगी, तो अगर तुम्हें एनिमेटेड मूवी पसंद है तो जाके देखो भाई। और नंबर 1, देवरा पार्ट 1। देखो अब लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड है इस मूवी के लिए, क्योंकि इसमें जूनियर NTR है अपना, सैफ अली खान है, जानवी कपूर है। ये मूवी में तुम्हें फुल ऑन एक्शन देखने मिलेगा। पुराने टाइम की कहानी बताई जा रही है जहां पर हो सकता है कुछ गांव वालों या कबीले वालों के बीच का डिस्प्यूट हो। लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड है इस मूवी के लिए, बट मुझे इसे देखने के लिए बस 2 ही रीजन मिले, इसके अलावा कुछ समझ नहीं आया। ऑडियंस की डिमांड है तो देखने जाएंगे। RRR मूवी में बहुत बढ़िया महेश्वरी परफॉर्मेंस, बट यहाँ मेरे को थोड़ा अजीब लग रहा है, ये लोग बस एक्शन सर्व करने वाले। तुम्हें अगर विक्रांत रोना देखी है तो उसे टाइप का कुछ हाल हो सकता है जहां एक्शन के मामले में बहुत बढ़िया है, पर कहानी का इम्पैक्ट ये लोग नहीं छोड़ पाएंगे। मैं अभी से प्रिडिक्ट कर दे रहा हूँ, मुझे नहीं लगता ये मूवी कहानी वाइज कुछ इम्पैक्ट डाल पाएगी। और सच बता रहा हूँ, मैं कोई हिटर नहीं हूँ, मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी अगर ये मूवी मुझे गलत साबित करके अच्छा परफॉर्म करती है और लोगों के दिलों में बस जाती है, तो मैं यही चाहता हूँ।